ब्लॉग में हमारे साथ एक नया बंदा है हमारा, ये भी दोस्त भी है, फ्रेंडली हमारा, ये भी नया बंदा है। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, तो फिर आके फिर आपसे बात करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मेरे इस ब्लॉग के साथ आप जुड़िए रहेगा, और ऐसे मजीद ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही आप मुझे ग्रो करते रहें। मैं आपको अपनी तरफ से जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको ग्रो करता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर दूध लेने के लिए आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं अल जन्नत मिल्क शॉप है हमारी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जाना है घर वापस है, अल जन्नत मिल्क शॉप है हमारी। साइकिल वाला बच्चा भी आ गया, और ले भी लो दूध, जल्दी नहीं लिया अभी तक तुमने, स्टार्टिंग कर दो। ओए यार, पेट्रोल पंप भी जाते, ट्रोलर वाले ना आगे पेट्रोल पंप, वहां जाने थे। फाइनली घर आ चुके हैं, तो ये भी आ चुप, बिल्कुल चुप आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे एवरीडे के चाय वाले आए हैं। अच्छा, ये फ्री चाय पिला रहे हैं मजदूरों को, फ्री चाय पिला रहे हैं सारे लड़कों को। तो अभी हमने जाना है उसामा की तरह, उसने दो ये गंदा दूध पिला रहे हैं हमें, ठीक है, चाय वाला गंदा। नहीं यार, साफ दूध है ये, एवरीडे वाले आए हैं इधर। दोनों लड़के उसने भी जाना था और मैंने भी जाना था, हमने कहा यार अगले। हाँ जी मजा साहब, ठीक है, अगली मंगल का या फिर हम कर लेंगे हफ्ते वाले दिन का प्लान कर लेंगे, 25 का कर लेंगे। ये अभी भी प्लानिंग कर रही है, सालगिरह की प्लानिंग कर रही है। तो यार प्लानिंग यही है हमारी, अभी बताया ब्लॉग में भी बता दिया हमने 25 तारीख का कहा है वैसे, लेकिन ये भी कह रहा अभी तक सैलरी नहीं आई। हाफिज साहब का नाम नहीं ले रहे थे, हाफिज साहब है वो हमारे, ठीक है ना। चावल की दुकान पे पहुंच गई, अब ये चावल ले रहा है। चावल लेने के बाद हम जाएंगे सामा की तरफ, सबसे पहले बाइक लगाएंगे घर, क्योंकि बाइक हमारे बस की नहीं है, पेट्रोल आपको पता कितना महंगा है। हरी हरी, अब घर की तरफ रवाना होते हैं, चलो। ऐसे चावल उदाड़ लिए, ठीक है, थोड़े से जल्दी आई, जल्दी जल्दी बस, जल्दी आ, जल्दी आ भी जा, आ गया, आ जा यार, आ जा जल्दी आ जा। सामा की तरफ उसने कहा था अगर मैं घर पे हुआ तो समझना सिंगल शिफ्ट है, वरना मेरी डबल शिफ्ट होगी। उसने मुझे कहा था पीर को मेरी डबल शिफ्ट लगनी है यार, पता नहीं यार, अब जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में। मैं अपने घर आ चुका, क्योंकि जब मैं अपने दोस्त सामा ही घर गया था, तो वो अपनी मामा के साथ ग्लोसरी लेने गया था मार्केट, तो उसको कुछ भी लग जाएगा, घंटा डेढ़ घंटा उससे भी लग जाएगा। तो मेरे साथ तलहा था, तलहा ने कहा कि मैं भी घर चला जाता हूँ, तलहा भी घर चला गया। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगा भाई, फिर मैं भी घर आ गया, मैंने कहा थोड़ा सा घंटा डेढ़ घंटा मैं भी आराम कर लेता। लो यार, इधर भी मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है घर में, सही खेल गया बहन, टीवी पे लगा के, और क्या है, नहीं इंतजार के बाद वो अब आए हैं पूरे 2 घंटे के बाद, अब देखते हैं। वे अब नीचे जाना, नीचे जाता हूँ, ठीक है मामा, जा रहा हूँ। अब कटिंग करवाने जा रहे हैं हम जी, अब कटिंग कराने बैठ गए हैं। तो मैंने तो अभी कटिंग नहीं करवानी, मैंने हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद कटिंग करवानी है। तो जब तक ये कटिंग करा रहे हैं, वह तक मैं जाके घर से कुछ खा पी लेता हूँ। मामा
हाँ चाय बना तो दो, मैं बिस्किट लेके आया हूँ। लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप लेके आया। मैं तो समझा कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद आएगा, ये पहले लिया है। जब तक चाय बन रही है मेरी, वक्त तक मैं जरा अपना जरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। जब चाय बनेगी तो फिर, क्योंकि चार्जिंग बहुत कम है मोबाइल की, तो वीडियो बनानी है। मेरी चाय हो चुकी है अब रेडी, तो जल्दी जल्दी से चाय पीते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सामा की तरफ। मजेदार शाम का टाइम हो गया, मैं दोबारा जा रहा हूँ उनकी तरफ। अब पता नहीं देखते क्या होता है मुझे यहाँ पे। फाइनली इनकी अब ये लुक निकली है, कटिंग करा के आए। अब 2 घंटे बाद इनकी बारी आई है, और अभी फारिग हुआ है तो शाम होगी, रात हो गई है, तो इस ब्लॉग को मुझे अब इधर ही एंड करना पड़ेगा। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।